बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पॉलीफेज के ऊपर। पॉलीफेज क्या है, टू फेज, थ्री फेज, सिक्स फेज और अल्टरनेटर क्या होता है, इन तमाम जानकारियों के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए। इसके लास्ट में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर के, जो आपके इंटरव्यू से रिलेटेड होंगे, एग्जाम से रिलेटेड होंगे। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए या पढ़ाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन के लिए, तो तमाम तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक इलेक्ट्रिकल पर्सन के लिए कि जो इसमें काम करने जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पॉलीफेज किसे कहते हैं, फिर बात करेंगे टू फेज, थ्री फेज और सिक्स फेज, फिर बात करेंगे अल्टरनेटर के ऊपर। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं पॉलीफेज किसे कहते हैं, पॉलीफेज की ज़रूरत क्यों। पॉलीफेज को समझने से पहले हम समझ लेते हैं पॉलीफेज की ज़रूरत क्यों। जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें पॉलीफेज की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें अलग अलग मशीन को, अलग अलग हैवी ड्यूटी मशीन को चलाने के लिए पावर भी हमें अधिक की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे जैसे सपोज करिए कि एक बल्ब को जलाने के लिए हमें कम पावर की आवश्यकता है, लेकिन वहीं एक मोटर को चलाने के लिए हमें अधिक पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मोटर जो होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं, जो सिंगल फेज से नहीं चल पाते हैं, पावर उनका कम हो जाता है और वो वर्क नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि हमें पॉलीफेज की आवश्यकता पड़ती है, और पॉलीफेज ही बड़े बड़े प्लांट्स में, बड़े बड़े मोटर और या कंपनियों में, इंडस्ट्रीज़ में पॉलीफेज का ही काम होता है। पॉलीफेज बेस पे ही अल्टरनेटर वर्क करता है। अब हम बात करेंगे कि एक ऐसी महत्वपूर्ण बात जो हमेशा आपको याद रखना चाहिए, एक फेज से अधिक सप्लाई हो को ही, एक फेज से अधिक सप्लाई को ही हम क्या कहते हैं, पॉलीफेज कहते हैं। जैसे टू फेज, थ्री फेज और सिक्स फेज। अब इनका अंतर क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। वास्तव में हम टू फेज क्यों कहते हैं, थ्री फेज कहते हैं और क्यों सिक्स फेज कहते हैं, इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन और आंसर जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए। टू फेज किसे कहते हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि टू फेज किसे कहते हैं या टू फेज का नेचर क्या है, टू फेज के लिए क्या ज़रूरत है, तो आपका जवाब कुछ इस तरीके से होना चाहिए। जब एक आर्मेचर पर दो एक सी बाइंडिंग इस प्रकार की जाती है कि दोनों बाइंडिंग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली 90 अंश पर होती है, टू फेज कहलाता है। यदि उदाहरण की बात की जाए तो यदि फेज और न्यूट्रल के बीच में 200 वोल्ट की सप्लाई हो, तो फेज के बीच में जो कुल वोल्टेज होगा वह होगा 200 गुणे अंडर रूट 2, यानी जो ये 2 होगा अंडर रूट 2 होगा। कहने का तात्पर्य यहाँ फेजों की संख्या कितनी हो जा रही है, 2 हो जा रही है। अगर तीन तार हैं, तीन तार में अगर इन दोनों के बीच की बात हम करें तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 200, क्योंकि 200 वोल्ट की सप्लाई है तो 200 इंटू अंडर रूट 2 होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थ्री फेज की, थ्री फेज किसे कहते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो फिर आपका जवाब कुछ इस तरीके से होगा, जब एक आर्मेचर पर तीन एक सी बाइंडिंग इस प्रकार की जाती है कि तीनों बाइंडिंग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली 120 अंश पर होती है, थ्री फेज कहलाता है। यदि फेज और न्यूट्रल में 230 वोल्ट की सप्लाई हो, तो दो फेज के बीच जो वोल्टेज होगा तो वो कितना हो जाएगा, उसमें जो है तो दो फेज के बीच का जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा आपका 230 गुणे अंडर रूट 3। ये जो 3 जो होगा वो अंडर रूट में होगा, यानी आपने देखा कि जैसे ही इसमें थ्री फेज में आए और वोल्टेज भी बढ़ रहा है, अब फेज भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर यह संख्या हो जाएगी 3। टू फेज में कितनी संख्या होगी, ये 3 गुना बढ़ेगा, टू फेज में 2 गुना बढ़ेगा, और यही अगर 4 की बात करें, 5 की बात करें, 6 की बात करें, तो जितना वोल्टेज होगा उसमें अंडर रूट से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा कुल वोल्टेज निकल जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन और आंसर के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन, पॉलीफेज किसे कहते हैं, पॉलीफेज किसे कहते हैं, तो सीधा सा जवाब होगा, एक फेज से अधिक सप्लाई को ही हम पॉलीफेज कहते हैं। पॉलीफेज की आवश्यकता क्यों है, पॉलीफेज की आवश्यकता जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती है। टू फेज किसे कहते हैं, टू फेज किसे कहते हैं, अब इसके लिए आप बोलेंगे टू फेज पैदा करने वाले अल्टरनेटर में आर्मेचर पर दो एक सी बाइंडिंग इस प्रकार की जाती है कि वे दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली 90 अंश पर होती हैं। इस प्रकार
की सप्लाई को या इस प्रकार की अल्टरनेटर्स को जो बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, उसे हम टू फेज बोल सकते हैं, टू फेज बोलते हैं, ठीक है। ये अगर एग्जांपल भी पूछा जाए तो यदि इस प्रकार की सप्लाई में अगर दो फेज के बीच में जो सप्लाई आती है 200 वोल्ट की सप्लाई हो तो कितना हो जाएगा, आपको मैंने बताया था अगर दो है तो क्या हो जाएगा 200, मतलब 200 गुणे अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बारी है थ्री फेज की, किसे कहते हैं। अब थ्री फेज में क्या होगा, तीन फेज यानी एक आर्मेचर पर एक सी बाइंडिंग इस प्रकार लिपटी होती है या इस प्रकार की जाती है कि वह एक दूसरे से कितने अंश के कोण पे होंगे, 120 अंश के कोण पर के डिस्टेंस पे होते हैं। यदि न्यूट्रल और फेज के बीच 230 वोल्ट की सप्लाई हो तो हर दो फेज में जो वोल्टेज होगी वह होगी आपका 230 इंटू अंडर रूट 3, क्योंकि यहाँ तीन फेज हो जा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अगर ये देखिए यहाँ पे दे दिया कि टू फेज और न्यूट्रल के बीच 200 वोल्ट की सप्लाई हो तो कुल वोल्टेज कितना होगा, सीधा टू फेज है तो क्या हो जाएगा आपका 200 इंटू अंडर रूट 2। और फिर अगला क्वेश्चन है थ्री फेज और न्यूट्रल के बीच 230 वोल्ट की सप्लाई हो तो कुल वोल्टेज कितनी हो जाएगी, तो सीधा जवाब होगा आपका 230 गुणे कितना हो जाएगा, थ्री फेज है ना, तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। अगर अब बारी आ जाती है सिक्स फेज और न्यूट्रल के बीच 260 वोल्ट की सप्लाई हो तो कुल वोल्टेज कितनी हो जाएगी, तो 260 इंटू अंडर रूट 6। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप पॉली फेज की टर्म्स को समझ चुके होंगे और इस हिसाब से आप जवाब दें। अगर आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत आ रही हो तो वीडियो को पॉज कर दें, वहाँ पे उस लेक्चर को सुने, दोबारा नोट करें और समझें। तो आज हमने जो चर्चा किया तो वो पॉली फेज के ऊपर हमने बात किया, टू फेज, थ्री फेज और न्यूट्रल और फेज के बीच में अगर निश्चित वोल्टेज है तो उसका कुल वोल्टेज कितना होगा, ये हमने जानने की कोशिश किया। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।